तारीफ ही नहीं। तो आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको नेपाल में कामाख्या देवी मंदिर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारे जितने भी दोस्त हैं वो बस के बाद ये दोस्त बहुत ही मेहनत कर रहा है, आप देख सकते हैं। एक नंबर इसको बीवी मिलेगी, देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है पार्टी कर रहे हैं। पार्टी नहीं, हम लोग जा रहे थे, जो कि रास्ते में सबको भूख लगता है लेकिन खाना खाते हैं। तो देख सकते हैं सभी दोस्त जो है खाना खा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दोस्त हैं जो कि क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे भाई लोग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए किसी को पूरी नहीं मिला, किसी को लस्सी नहीं मिला, तो यहाँ पर सब मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर भी है जो कि गर्ल्स हैं, जो कि बहुत अच्छे सब लोग खा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है इन सबको, देख सकते हैं आप लोग। बने रहिए वीडियो के साथ, दिखाते हैं आप लोग कितना अच्छा से जो है बना है, सजावट हुआ, खाना खा रहे हैं सब, और जो भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बने रहिए वीडियो के साथ, हम ले चलेंगे आपको कामाख्या देवी, वहाँ पर आप दिखाएंगे प्रखर एजुकेशन सेंटर की तरफ से, जो कि हमारे गुरु जी ये रहे। तो आप लोग देख सकते हैं, हम अब ले चलते हैं आपको नेपाल की तरफ। चलो भाई देखो अपने क्या। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग जो है बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, जो कि भारत का बॉर्डर है, इधर नेपाल का है। और बाकी सब बच्चे देख सकते हैं आप लोग, जो कि सब उधर से क्रॉस करके आए हैं, जो कि पैदल आना है, बस में जाने का सफ़र नहीं मिलेगा। अब यहाँ से लोग देख सकते हैं जो बच्चे अब चढ़ रहे हैं वहाँ पे, और इतने दोस्त हैं जो फोटो शूट कर रहे हैं अभी तक। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे नेपाल का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बने रहिएगा वीडियो के साथ, हम आपको और भी कुछ दिखाते हैं, जो कि रास्ते का सफ़र भी दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, अनलाइक भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बस लग चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं फिर से बैठने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ही अच्छा और कितना डरावना जो मंजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक तरफ है खाई और एक तरफ है पूरी ऊंचाई। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही जो कि है अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि पीछे कितना बड़ा है, और यहाँ जो लिख सकते हैं लुम्बिनी क्लब लिखा हुआ पीछे। अभी जो दोस्त हैं कुछ उतर रहे हैं, कुछ उतर गए हैं, कुछ चूतिए दोस्त हैं, देख सकते हैं चल चूटा बहुत अच्छे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ही पलों में मैं आपको कामाख्या देवी दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पता किया जा रहा है कि टिकट का पैसा कितना लगेगा हमें कामाख्या देवी घूमने के लिए, जो कि हम लोगों को एक लिफ्ट से जाना पड़ेगा, उसका टिकट कितना होगा हम आगे आप लोगों को बताते हैं। और देखते रहिएगा आप लोग, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो ग्रुप फोटो हो चुका है, जो यहाँ का टिकट है कामाख्या देवी, आप लोग का पूजा होगा। देखिए देवी देवता है, कहाँ से आती है? जो यहाँ का कामाख्या का टिकट है वो 750 रुपए लग रहा है। इसके वजह से प्राइस ज्यादा होने के वजह से कोई भी बच्चा ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो देख सकते हैं सभी लोग नीचे ही टहल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ऊपर कोई नहीं जा रहा है सब। नमस्कार, आप लोग देवता है, आप लोगों को पूजा होगी। हाँ नमस्कार, हाँ ये कर लो पहले। चलो भाई हम भी आए हैं नेपाल बॉर्डर, आइए स्टिक पीजिए। ये देखिए नीचे चाय, चाय नीचे पड़ा हुआ है, चाय जितना मन करे आप उतना पी सकते हैं, फोकट का चाय है। देखिए देख सकते हैं, जो कि यहाँ बारिश होने के वजह से कचरा हो गया था, और कचरा होने की वजह से सभी के जूते जो है और पैंट जो गंदे हो चुके थे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं सभी लोग धूल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने हैं, और कुछ चूतियाँ हैं दोस्त हैं जो हमारे ऊपर जाके मौज कर रहे हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक सर जी हैं, उनका भी थोड़ा सा जो है गंदा हो चुका है, और वहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं जितने भी हमारे साथ आए हैं टूर पे, सबका गंदा हो चुका है। तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, हर देश में एक न एक नमूना मिलता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम लोग जूता चप्पल निकाल के गए थे सिद्ध बाबा का दर्शन करने, और ये जो है महाराज हमारे जूते चप्पल को मिट्टी से ढक रहे थे,
तभी हम लोग को पता चला और हम तुरंत हम लोग वापस आए और देखते रह गए। और फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और आप सब देख सकते हैं सिद्ध बाबा का जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं बहुत जगह घूमने के बाद जो हम लोग थक चुके थे तो अब समझ चुके थे थक चुके थे तो खाना खाने का जगह ढूंढ रहे थे तो फाइनली ये जगह मिल चुका है जो कि हम लोग को बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग खा रहे हैं और कुछ लोग खा भी चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, देख सकते हैं अभी खाना खाए हैं, जस्ट ठिकार नहीं आ रहा है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। आप लोग देख सकते हैं हमारे गुरु जी भी खिला रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे गुरु जी हैं जो खाना खा रहे हैं। प्रिय गुरु जी हमारे कन्हैया सर खा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।